बलिया से बड़ी खबर, डॉक्टर और स्टाफ नर्स की नियुक्ति के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की सरेआम उड़ाई जा रही है धज्जियां। कोरोना काल के लिए डॉक्टर और स्टाफ नर्स की कराई जा रही नियुक्ति, नियुक्ति के दौरान कई लोगों में नहीं दिखा चेहरे पे मास्क, नियुक्ति में फॉर्म फिलअप के दौरान भी नहीं दिखा सैनिटाइजर की कोई व्यवस्था, नियुक्ति के दौरान नहीं है पानी की व्यवस्था, लाइन की नहीं है व्यवस्था, न मास्क की व्यवस्था, न सैनिटाइजर की व्यवस्था। नियुक्ति में आई महिलाओं को भीड़ देख लगने लगा डर, 4 पुलिस कर्मियों के सहारे कराई जा रही है भर्ती, तैनात पुलिस कर्मियों ने नहीं लगाया है मास्क, फॉर्म फिलअप के दौरान भगदड़, बलिया कलेक्ट्रेट सभागार का है पूरा मामला। स्वर्णा के साथ बलिया संजय तिवारी की रिपोर्ट। किस तरह की व्यवस्था है यहाँ पे और किस तरह की भर्ती चल रही है? कंजेस्टेड व्यवस्था है यहाँ, किसी चीज का यहाँ पे कोई सोशल वर्क करने के लिए कोई भी है नहीं है ना, कोई बता रहा है कि कैसे हम लोग को खड़ा होना है, कैसे हम लोग को अंदर जाना है, कैसे हम लोग को इंटरव्यू देना है, कुछ भी नहीं जी। तो यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं किस तरह की व्यवस्था देखी जा रही है? सोशल डिस्टेंसिंग सरेआम दिया हुआ है, क्या कोई प्रशासन के लोग यहाँ पे नहीं मौजूद है? यहाँ पे प्रशासन के लोग मौजूद है, उन लोगों के पास कोई नॉलेज नहीं है, उन लोगों को कोई बताया नहीं कि आप इस तरह अपना कार्य करिए। तो जो व्यवस्था देखी जा रही है, जो यहाँ लोग बैठे हैं अंदर बैठे हैं, क्या ये लोग व्यवस्था अभी कर रहे हैं आप लोगों के लिए? कुछ नहीं व्यवस्था कर रहे सर। सुबह क्या नाम है आपका? इंदु भास्कर। इंदु जी कहाँ से आई हैं अभी? मैं रसुआ से आई हूँ जी। अब कहाँ आई हैं और किस तरह की यहाँ पे देखी जा रही व्यवस्था है? व्यवस्था तो यहाँ पे कोई भी नहीं है, ना तो पानी की व्यवस्था, ना ही मास्क है, ना ही सैनिटाइजर, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग है, कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है। लोग देख ही रहे हैं आप लोग, भीड़ इकट्ठा हुई है जी। बस जैसे तैसे लोग अपना इंटरव्यू देने आए हैं, देखे जाए। तो ये कैसी भीड़ दिख रही है, किस तरह का इंटरव्यू चल रहा है यहाँ पे? यहाँ पे इंटरव्यू है, 3 महीने का COVID-19 की ड्यूटी लगाई जा रही है, 3 महीने 36 सीटों का निकला हुआ है, उसके बाद देखिए आप क्या हो रहा है इसमें। हम तो आए हुए हैं इंटरव्यू देने। तो यहाँ पे डर लग रहा है आपको इस भीड़ में कि कहीं कोरोना किसी को हुआ हो? इस चीज का डर है, लेकिन जॉब है तो आदमी कर रहा, डर तो है इस चीज का कि कोरोना कहीं इसमें से, इतने लोग हैं इनमें से कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, जिसकी वजह से डर है। प्रशासन की क्या व्यवस्था है? प्रशासन की देख ही रहे हैं, कोई व्यवस्था ना तो कोई प्रॉपर लाइन लगी हुई है, ना ही कोई व्यवस्था है, यहाँ तक कि लोग पानी के बिना तरस रहे, पानी तक की कोई व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ धक्का मुक्की किस लिए हो रहा है गेट के पास? धक्का मुक्की जो हो रहा है अब देखिए, यहाँ धक्का मुक्की हो रहा है, कोई लाइन प्रॉपर नहीं है। अरविंद कुमार यादव। अरविंद जी अभी कहाँ है और किस पद के लिए नियुक्ति चल रही है? स्टाफ नर्स के लिए। ये कहाँ पे अभी आए हैं और किस तरह की व्यवस्था है? कलेक्टर महासभा में आए हैं और ये जेएनएम के लिए है, जिसके लिए हम लोगों ने आए हैं यहाँ पर इंटरव्यू देने के लिए, जो कि पेपर में भी गया जी। यहाँ पे जो व्यवस्था देखी जा रही है किस तरह की व्यवस्था है? व्यवस्था तो अभी ठीक ठाक ही दिख रही है, बाकी तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि न कहीं मास्क दिख रहा है किसी अधिकारी में और न सैनिटाइजर की व्यवस्था है, पूरी भीड़ है, सोशल डिस्टेंसिंग की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। तो क्या यहाँ पे प्रशासन की किस तरह की व्यवस्था देखी जा रही है? प्रशासन को यहाँ पर तो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, दूसरी चीज की कोई व्यवस्था सैनिटाइज वगैरह करने की भी नहीं दिख रही है, ताकि अभ्यर्थी जो भी आए हैं उनके सैनिटाइज हो सके, और सोशल डिस्टेंसिंग का तो धज्जियां उड़ रही है। तो कैसे सरकार कोरोना का की जो काल के लिए जो ये भर्तियां चल रही है, तो कैसे इसका पालन होगा? सरकार अपनी व्यवस्था लगा रही है, पर यहाँ देख ही रहे आप लोग, यहाँ प्रशासन की कमी है, जो कि प्रशासन बुलाया गया है उसके बावजूद भी प्रशासन अपना काम नहीं कर रही है, बैठ के गपशप कर रही है। क्या मानते हैं कि इससे कोरोना भग जाएगा या इससे कोरोना और बढ़ जाएगा? बढ़ेगा बढ़ेगा। अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल न्यूज क्राइम 24 को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं।